दोस्तों आज के वीडियो में हम जो गांव कोटवार होते हैं उनकी यूनिफॉर्म चेंज हुई है अभी, ये बिल्कुल पुलिस वर्दी की तरह बनती है, उसकी शर्ट की कटिंग करेंगे, कपड़ा देख लेंगे। पहले 2.5 मीटर था जिसमें से पेंट कट चुकी थी हमारी, अब ये 1.5 मीटर में बनाना है हमको। ये 1.5 मीटर कपड़ा है बचा हुआ है पेंट के बाद, इसमें कटिंग करेंगे हम। कपड़े को उल्टा कर लेंगे, ये हमने बराबर कर लिया इधर से। यहाँ पर 1/2 इंच कपड़ा छोड़कर निशान लगा लेंगे इस तरह से। 2 इंच घेर के लिए यहाँ निशान लगा लेंगे। लंबाई है 28 इंच, 1.5 इंच प्लस करेंगे 29.5 इंच निशान लगाएंगे। सीना 35 इंच है तो 9 इंच का लगाएंगे आर्म होल के लिए। 16 इंच पेट का निशान लगाएंगे, यही निशान इधर उठा लेंगे हम। 9 इंच, 16 इंच, इन निशानों को सीधा कर लेंगे। 2 इंच शोल्डर डाउन, इस तरह से किनार निकाल देंगे। दो इंच फैशन के लिए लगा लेंगे। ये निशान लग गए हमारे, आप देख लेंगे। लंबाई 28 इंच है, शोल्डर 17 इंच है, बाजू 25 इंच है, कॉलर 15 इंच, 10 इंच के कप है, 35 इंच इसका सीना है और 36 इंच पेट है। लूजिंग हमको 2 इंच देना है। 15 कॉलर है, 2.5 इंच नीचे, 2.5 इंच शोल्डर, 17 है, 8.5, 9 इंच में 1 सूत कम पर शोल्डर का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर 1/2 इंच इस तरह डाउन निशान लगा लेंगे। सीने पर आएंगे, 35 इंच है, 35 का चौथाई 2.5 इंच, इसके बाद 2.25 इंच, यहाँ पर 2.5 इंच एक निशान अंदर। पेट 36 इंच है, 9 इंच, 2 इंच लूजिंग, 11 इंच एक सूत आ रहा है, यहाँ भी 11 इंच एक सूत, यही निशान यहाँ लगा देंगे। इसको सीधा कर लेंगे। देखिए जो 1/2 इंच हमने छोड़ा था कपड़ा, वहाँ से इधर से उठाकर थोड़ा तिरछा इस तरह एक निशान लगा देंगे। ये तिरछा लगाना इस क्या होता है, हम फैशन बनाते हैं, जो कपड़ा ऐसा हो जाता है तो सामने से उठेगी नहीं शर्ट। यहाँ हल्का ओपन ही करें, ज़्यादा ना, इस निशान को ये अंदर वाले से मिला देंगे। इस तरह से शेप दे देंगे। पॉकेट का निशान 8 इंच पर लगाएंगे, इधर से 2.25, 5 इंच का पॉकेट लगाएंगे हम। ये 8 इंच पर पॉकेट लगेगा, 1/2 इंच ऊपर से फ्लॉप लग जाएगा। कफ 10 इंच के हैं बड़े। ये फ्रंट का निशान लग गया हमारा। पहले हम एक फ्रंट काटेंगे, सिर्फ एक पल्ले को काटेंगे। एक पल्ले को काट लिया हमने। अब ये किनार को छोड़कर 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। किनार को छोड़कर 3 इंच पर एक निशान लगाएं। हम जो 3 इंच का जो निशान लगाया है, ये निशान को बिठा लें, क्योंकि हमारी जो मेन फैशन पट्टी रहेगी, बटन पट्टी, उसके लिए 1.5 इंच हमको बाहर निकालना है। डबल फोल्ड करेंगे कपड़ा, उल्टा सीधा नहीं है, पट्टी चिपका के छोड़ देंगे तो अंदर जो पट्टी जाएगी वो बाहर नहीं निकलेगी, पूरी 3 इंच की फोल्ड होगी, 1.5 इंच दो बार, इसलिए हमने एक फैशन को 3 इंच की रखा है। अब हम इसको काट लेंगे। किनार को काट देंगे,
ये देखिए, ये हमारी बटन पट्टी है, ये 2 इंच की है, ये 2 बार मुड़ेगी तो 1 इंच की मुड़ जाएगी। और ये काज पट्टी, इसके भी किनार निकाल देंगे। हमारी फैशन पट्टी ये कुटके के इस तरफ चिपक जाएगी, उसके बाद एक फोल्ड ये हो जाएगा और इस तरह से चिपका के मोड़ देंगे। तो ये हमारी कोई सिलाई लगाना है, सिलाई नहीं लगाएंगे, सीधी ये तैयार हो जाएगी। इसमें जब काज बनेंगे तो ये देखिए झांकेगी भी तो अंदर के छूचने बिल्कुल नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमने इसको पूरा आखिरी तक मोड़ा है, इसलिए इस पट्टी को 3 इंच काट लिया करें। अब हम बैक काटेंगे यहाँ साइड से ही। ग्यारह इंच से मोड़ लेंगे इसको। इस तरह 11 इंच मोड़ लिया, और इसको बिछा लेंगे इस तरह 1.5 इंच बाहर निकाल कर। ये देखिए, ये अंदर का जो निशान है, इस निशान से बैक कटेगी हमारी। बैक 2 सूट कम कटना चाहिए नीचे से। ये शोल्डर डाउन पे इसका निशान लगा लेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए, जो शोल्डर डाउन किया था इस यहाँ से बैक कटेगी हमारी। 17 इंच शोल्डर है, 8.5 इंच 3 सूत मार्जिन के लिए। ये हमने सीना का जो निशान लगाया था उस पर लाएंगे इस तरह से, और यहाँ से हल्का शेप दे देंगे इस तरह। आस्तीन काटेंगे अब इस तरह, किनार तरफ से ही काटेंगे। साढ़े 4 इंच, यहाँ 1/4 इंच, यहाँ से यहाँ 9 इंच, ये निशान यहाँ से एक सेंटर लगाएंगे हम। टेप को इस तरह रखेंगे, ये 10 इंच आ रहा है, इसका एक सेंटर लगा लेंगे यहाँ, यहाँ से लगाया है हमने। आस्तीन 25 इंच है, 25 को टेप को इस निशान पर रखेंगे, यहाँ 1 इंच कम। कफ 10 इंच के हैं, यहाँ 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस निशान को बिल्कुल सीधा कर देंगे। वर्दी में कभी भी यहाँ शेप ना दिया करें, बिल्कुल सीधा किया करें, क्योंकि अधिकतर बाजू मोड़ के पहनते हैं तो यहाँ लूज रहना चाहिए वर्दी। मैं जैसा निशान लगा रहा हूँ ऐसा आप भी शेप दे दिया करें, बहुत अच्छी आस्तीन बैठती है। ये हमारा बैक वाला निशान हो गया, काट लेंगे। पौन इंच के करीब यहां से 5 इंच की चौक पट्टी, इंच है इसका शोल्डर कट जाएगा हमारा, पूरा 6 इंच है। 2 इंच शोल्डर डाउन, 1.25 इंच गला डाउन होगा, 9 इंच में 1 सूत कम। 17 इंच शोल्डर है तो 9 इंच में 1 सूत कम यहाँ रखेंगे, हमने बैक में भी इतना ही रखा है, यहाँ पर 9 इंच 1 सूत रख देंगे। फ्रंट की कंधी नाप लेंगे 6.5 इंच,
अब ये देखिए इतना कपड़ा बचा है हमारा, इसमें सभी चीज बनाना हमको आराम से बन जाएगी। इतने कपड़े में थोड़ी परेशानी होगी, शोल्डर नहीं लग पाएगा। अब आप वीडियो में इतनी देर बने हैं, एक खास जानकारी और आपको बता देता हूँ कि कभी भी वर्दी पेंट शर्ट साथ बनते हैं तो पहले शर्ट को बनाया करें, क्योंकि पेंट में जितना चाहो हम उतना अलग कपड़ा लगा सकते हैं, लेकिन शर्ट में ऐसा नहीं है। इसलिए पहले हमेशा शर्ट बनाया करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।